सरकार के राहत पैकेज के ऐलान और बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज नगर परिषद अंजड़ में मजदूरी कर गुजर बसर करने वाली महिलाएं एकत्रित हुई और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से रोजगार की मांग करने लगी। कोई अपनी पीड़ा बयां करते हुए आंसुओं को झलकने से नहीं रोक पाई तो किसी ने गैस की टंकी गिरवी रख दी तो किसी ने अपने घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए ताकि गुजर बसर हो सके। यह लोग कहते हैं कि सरकार ने गेहूं चावल तो दे दिए लेकिन गुजारे के लिए दूसरी चीजें भी लगती है, उनकी व्यवस्था कैसे करें, काम चल नहीं रहा, रुपए है नहीं, ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। घर की टंकी गिरवा रख दी साहब, बेड़ा रख दिया, बच्चों ने सब गिरवा रख के खा रहे, बर्तन एक एक करके गिरवा रख रहे। नगर की ही मजदूर महिला ताराबाई से जब हमने बात की तो उनकी आंखें भर आई। ताराबाई की पीड़ा उनकी आंखें खुद ही बयां कर रही है। ताराबाई के बहते आंसू उनकी बेबसी और लाचारी खुद ही बयां करती है। उस पर भी ताराबाई सरकार से मांग रही है तो काम और सिर्फ रोजगार। ताराबाई कहती है वह घर में अकेली है, उनके चार बच्चे हैं, काम कुछ मिल नहीं रहा, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल हो गया। शासन ने गेहूं चावल तो दे दिए लेकिन गुजारे के लिए और भी सामान लगता है, दाल मिल नहीं रही इसलिए पैसे भी नहीं है, बहुत दिक्कतें आ रही। तारा सरकार से मांग रही है तो काम, कहती है अगर मजदूरी मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। ये अनाज पानी की, घर की राशन की, हमारे घर कोई कमाने वाला आदमी है नहीं, हम अकेली थे, अकेली भाई, चार बच्चा। अभी कैसे घर से चला रहे हो? अब कभी दाढ़ की लगत कभी नहीं लगती, तो हम कसो जैसो सो घर चले रहा साहब। लाइट भी हमारा है नहीं, पानी है नहीं, पानी हम बड़ी मुश्किल से लावा, नीचे से ऊपर घर थी। अभी खाने की क्या व्यवस्था है घर पर? खाने की गेहूँ मिले, कंट्रोल का चावल मिले थे बस, इसके अलावा दूसरा नहाना धोना साबुन छोड़ा वो बस कभी लावा कभी नहीं, जैसो काम चलत लावा नहीं तो वह घर बटिया। शासन से क्या चाहते हो आप? शासन से ये मदद की खाना पीना का राशन मिले, पैसा मिले, मजदूर भी हमको मजदूर मिल जाए, दो इंसान भी कभी काम करा तो घर को राशन चली सकत। SDM अभय से ओवरिया कहते हैं कि नगरी क्षेत्र में मजदूरों को हम क्या काम दिला सकते हैं, इसकी हम सर्चिंग करते हैं और बहुत जल्द व्यवस्था करते हैं। हमें सभी मजदूरों ने अपनी अपनी जो है बात रखी, अपनी समस्या रखी, मैंने सुनी है, और क्या हो सकता है ज्यादा ज्यादा मजदूर कैसे एडजस्ट करके उनको काम दिला सके हैं, उसके बारे में हम लोग हमारी गाइडलाइन के अनुसार सर्च करते हैं और फिर इनकी क्या काम दिला सकते हैं उसके आधार पर हम लोग उनकी व्यवस्था करते हैं। खैर, सरकार के अपने दावे हैं, SDM व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी मजदूर को गुजारा बसर करने के लिए अपने जेवर गिरवी रखना पड़े, अपने बर्तन, घर की गैस की टंकी बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, तो आप सोच सकते हैं हालात कितने खराब हैं। पिछले करीब दो माह से चल रहे लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। दैनिक मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी भी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। और मजदूरों की हालत ये हो गई है अंजड़ नगर में कि यहाँ पर किसी ने अपनी पाइजब गिरवी रख दी है, किसी ने गैस की टंकी बेच दी है, या किसी ने अपने बर्तन भांडे गिरवी रख करके अपना काम, अपना गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। और मजदूर चाह रहे हैं कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वह कहीं भी रोजगार दें उनको और मजदूरी का काम चलाए। ग्राउंड जीरो से लोकतंत्र न्यूज के लिए सुनील भावसार की रिपोर्ट।